नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें, बैराड पुलिस प्रशासन की अनदेखी और भ्रष्टाचार पर रोकथाम को लेकर दिया ज्ञापन। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बैराड नगर की समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार बैराड द्वारा पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के नाम सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगों में प्रथम मांग, बैराड में प्रतिदिन चोरियाँ हो रही हैं जिन पर पुलिस की कोई रोकथाम नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही है। इन सब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सभी चोरियां पुलिस प्रशासन के संरक्षण में की जा रही हैं। वहीं दूसरे पॉइंट में बैराड में इसमें सट्टा, जुआ, अवैध उत्खनन, कच्ची शराब आदि अवैध कार्य पुलिस प्रशासन की देखरेख में फल फूल रहे हैं, जिनकी वजह से बैराड के अनेक परिवार बर्बाद की कगार पर पहुँच गए हैं। इन पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया गया। तीसरे पॉइंट में पुलिस प्रशासन बैराड द्वारा एक विशेष वर्ग के समुदाय को खुले संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे सभी हिंदूवादी संगठन एवं हिंदू समाज में विशेष आक्रोश व्याप्त है। यहां ऐसा प्रतीत होता है कि बैराड पुलिस द्वारा दोहरी मानसिकता के साथ कार्य किया जा रहा है। चौथे पॉइंट, बैराड पुलिस प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर मुहर्रम पर हजारों की संख्या में DJ साउंड और प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला गया है। पांचवें पॉइंट, बैराड थाना प्रभारी के कार्यालय में अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक चोरी हो चुकी हैं, जिसमें से अभी तक एक भी चोरी को उजागर नहीं किया गया है। आग्रह करते हुए कहा है कि प्रस्तुत मांगों को ध्यान में रखते हुए इन सब अवैध कारोबार एवं चोरियों की घटनाओं पर रोक लगाने के सक्षम हों, बैराड थाना स्वच्छतापूर्वक ढंग से चल सके, अन्यथा ऐसी स्थिति में सभी हिंदूवादी धार्मिक सामाजिक संगठनों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। इसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ बैराड, कट्टू श्याम मित्र मंडल, ABP एवं अन्य सामाजिक लोग उपस्थित रहे। बैराड से प्रंस प्रजापति की खास रिपोर्ट। आपके द्वारा ये ज्ञापन किस संबंध में दिया गया है? आज हमारे द्वारा, हमारे सभी संगठन द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, तो नगर बैराड में चोरी, इसमें और मुहर्रम पर अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित करने के संबंध में ये माननीय जिला प्रशासन महोदय को ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि वर्तमान में बैराड नगर में जो चोरी, इसमें अवैध कारोबार, जितने भी अवैध जो वर्तमान में जो चल रहे हैं उनके खिलाफ इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसका जल्द से जल्द इस पर लगाम लगाई जाए। आज जो ज्ञापन दिया है RSS के सभी अभिन्न संगठनों ने, अभी तीन चार दिन पहले कलेक्टर और SP की बिना अनुमति के मुहर्रम पे हजारों की संख्या में ताजिए निकाले, जो कि बिल्कुल SP साहब की और कलेक्टर साहब की अनुमति नहीं थी। उसी शाम को खाटू श्याम बाबा की समिति है यहाँ पे, वहाँ रात्रि जागरण भजन कीर्तन चल रहा था, वहाँ 25 से 30 लोगों की संख्या थी। उसमें जाके पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम बंद करवा दिया। उसी दौरान सुबह यह हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन की निगाह में ताजिए निकले डीजे के साथ। बंदे मातरम।